नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रिया। जिलाधिकारी पुलकित खरे की कार्यशैली से प्रभावित होकर एक छोटी सी बच्ची ने अपने पापा के साथ डीएम ऑफिस में पहुंचकर उसने डीएम को उनकी फोटो बनाकर दी, जिस दौरान उसके द्वारा बनाई गई फोटो को देखकर डीएम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे जीवन में आगे बढ़ने की बात कही। साथ ही फोटो बनाए जाने के पीछे की वजह जानकर डीएम साहब उस बच्ची से काफी प्रभावित हो गए। हरदोई जनपद के सेंट जेम्स स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 6 की छात्रा शिवन्या वैश अपने पापा के साथ डीएम पुलकित खरे के पास पहुंचकर उनको उनकी एक खुद अपने हाथों से बनाई हुई एक फोटो दी, जिसको देखकर डीएम पुलकित खरे हैरान रह गए और फिर डीएम श्री खरे ने वजह भी जानी। बच्ची ने बताया कि वो उनका काफी नाम होने वाली चर्चाओं में सुना करती थी, जिसको लेकर उसने अपने पापा से एक फोटो लेकर साजिदा चित्रण कर दिया, जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। ये चित्रण सिर्फ उसने पेंसिल की सहायता से बनाया था, जिसको आज उसने जिला अधिकारी पुलकित खरे को भेंट कर दिया, जिसके बाद डीएम ने उसकी सारी ड्राइंग देखी और भी ड्राइंग बनाने के लिए डीएम ने उसे प्रेरित किया। कल उनको बेलातली का भी भ्रमण कराया जाएगा। आज डीएम अंकल ने क्या तुमसे कहा है? बेटा हिंदी। आज डीएम अंकल ने कहा है कि न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करें और मेरी ड्राइंग को बहुत ही अच्छा दिया है और अपने हरदोई के लिए ड्राइंग्स बनाई। अभी तक तुमने क्या क्या बनाया है ड्राइंग्स का? मैंने सीनरीज बनाई हैं, पोर्ट्रेट्स बनाई हैं और बहुत सारी चीज़ें। कैसे क्या तुमने सिखा है, किसने तुम्हारा साथ दिया? मेरे स्कूल के सर ने, संजय सिंह सर ने मेरा साथ दिया था मेरी ड्राइंग करने के लिए। मैं नर्सरी से बनाती आई हूँ। आज जनता मिलन के समय बहुत ही सुखद अनुभूति रही, जब हमारे जनपद की ही एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की शिवन्या से मुलाकात हुई। वो मेरा चित्र भी बना के लाई थी और भी तमाम तरह की स्केचिंग जो वो करती है वो स्केचबुक लेकर आई थी, और उससे बात करने से ये पता चला कि उसके बचपन से ही इस क्षेत्र में प्रतिभा है। प्रशासन का भी ये प्रयास रहता है कि बच्चों की प्रतिभा जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिले। उसके अभिभावकों से भी हमने बात करी और उसके सुखद भविष्य के साथ साथ यदि उसको प्रशासन से किसी भी तरह की आगे मदद की जरूरत होगी, उसी को नहीं बल्कि अन्य भी बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को निखारने में अगर कोई आवश्यकता होगी तो प्रशासन पूरी तरह से उसके लिए। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।